हालात में। सुशांत सिंह की मौत के बाद से सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म के मुद्दे पर बहस तेज हो गई। इस बहस के बीच कई स्टार किड्स के साथ साथ जाने माने फिल्म मेकर करण जौहर भी बुरी तरह से घिर गए। काफी वक्त से विवादों का सामना करने के बाद पहले करण जौहर ने फैसला लेते हुए मुंबई फिल्म फेस्टिवल से इस्तीफा दे दिया था और अब उन्हें लेकर एक खबर आ रही है कि लगातार ट्रोलिंग ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। इस बारे में उनके करीबी दोस्त ने खुलासा किया और बताया कि करण जौहर पूरी तरह एक टूटे हुए इंसान हो गए। ट्रोल्स की बातों से वो पहले इतने कभी प्रभावित नहीं हुए जितने सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद हुए। सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग ने उनकी सेहत पर खराब असर डाला है। अपने बयान में उनके दोस्त ने ये भी बताया कि लोग न सिर्फ करण जौहर पर हमला बोल रहे हैं बल्कि उनसे जुड़े लोगों पर भी हमलावर हो रहे हैं। यहाँ तक कि उनके 3 साल के जुड़वा बच्चों को जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। उनसे जब बात की जाती है तो वो बुरी तरह से रो पड़ते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले फिल्म मेकर करण जौहर ने सुशांत के निधन के बाद से ही इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक भी पोस्ट नहीं शेयर किया। बताते चलें कि सुशांत सिंह के डिप्रेशन और फिर उनकी मौत की वजह लोग बॉलीवुड में नेपोटिज्म बता रहे हैं। भाई भतीजावाद से जुड़ा ये मामला इस कदर बढ़ गया है कि लोग करण जौहर और सलमान खान के पुतले तक फूंक चुके हैं। करण जौहर को कई लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। यही वजह है कि करण जौहर दिन पर दिन हिम्मत हारते जा रहे हैं और अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं। बहरहाल लोगों का गुस्सा तो तब तक शांत नहीं होगा जब तक सुशांत सिंह की मौत की वजह सामने नहीं आती, जिसके बारे में मुंबई पुलिस फिलहाल पता लगा रही है।